श्रोमणी अकाली दल अमृतसर मान वालों जिथे पंजाब भर के थाणियों विच पुलिस ते सरकार वालों खालिस्तान की मंग नूं लै के सिखां नूं तंग परेशान करन खिलाफ मंग पत्र दिते जा रहे ने। उत्थे ही हलका फगवाड़ा तो भी पार्टी आगुआं वालों शहर के चार थाणियों विच मंग पत्र दिते गए, जिस बारे जानकारी दिंदिया पार्टी आगू ने कहा है कि सरकारां ते पुलिस पार्टी वर्करां नूं जो खालिस्तान लई जद्दोजहद कर रहे ने उन्हां नूं तंग परेशान कर रही है अते पुलिस उन्हां दे राह विच रोड़ा बन रही है। उन्हां कहा है कि सारयां नूं कानून विच रह के आजादी नाल रहण अते बोलण दा अधिकार है, जिन्हां दी उलंघना कर सरकारां ते पुलिस सिख कौम ते खासकर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे योद्धियां नूं तंग परेशान करदी है। उन्हां कहा कि खालिस्तान की सोच रखने वाले नौजवानों किसी न किसी बहाने पुलिस तंग करती है। उन्हां कहा कि साड़ी पार्टी कानून विच रह के अत अमन शांति नाल खालिस्तान की मंग कर रही है। प्रधान मान साहब की जिहड़ी योग अगवाई दे विच उन्हां दे हुक्म अनुसार असी पंजाब दे सारे जिन्ने भी थाने आ पंजाब दे विच उन्हां दे विच श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे जिहड़े योधे आ सर्कल प्रधान सारे वर्कर जिन्ने भी है जथेदार असी सारयां ने हर अपने अपने थाने दे विच सारे मंग पत्र दित्ते आ जिहड़े मेरे कोल फड़े आ। ते इह मंग पत्र जिहड़ा कहिंदा आ क्योंकि सरकारां जिहड़ियां सरकारां ते खास करके पुलिस ये जिहड़े हैगे आ साडे वर्करां नूं जिहड़े खालिस्तान की जद्दोजहद करदे आ उहनां नूं परेशान करदे आ, जिहड़ी सच्ची सुची सोच आ साडी उहनां नूं डराउंदे धमकाउंदे आ नौजवानां नूं आम जनता नूं। ते साडे भी राह दे विच रोड़ा बन के इह जिहड़ी पुलिस आ जिहड़ी साडे सच नूं दबाउण की कोशिश करदी आ, पर अज असी दसना चाहते हाँ आ मेरे कोल परचा आ ये विधान की धारा 21 आ सैक्शन 50 ते आर्टिकल जिहड़ा हैगा 22 आ इहदे विच हर एक नूं बोलण दा ते जिहड़ा अपनी आजादी नाल रहण दा किसी भी जाण दा कोई भी कम करन दा जिहड़ा हैगा आ कानून दे विच रह के विधान की धारा विच अपनी आजादी माण सकदा आ, आजादी ना रह सकता अपना प्रचार कर सकता किसी तरह की अपने मन के जी गल कर सकता। तो ये सारे अधिकार जोड़े आ मतलब जोड़े है कौमांतरी कानूनों की भी ये जी है देख रेख में आ तो उन्होंने उलंघना करके जी पुलिस आरकार जी सिख कौम खास करके श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जोड़ा 84 तो जदोजहद कर रहा उन्होंने तंग परेशान करती है। तो जिहड़ी नौजवान पीढ़ी साडे नाल जुड़ती है जां खालिस्तान की सोच रखती है उन्होंने ये किसी बहाने डरा के धमका के जां कोई ना कोई बहाना बना के किसी ना किसी तरह तंग करना करन दी कोशिश करती है। वो पुलिस दे राही हुंदा है क्योंकि सारा कुछ पुलिस लिखती रूप च करदा, पुलिस देख के हरेक कानून दे विच रहना चाहुंदा, पर साडी पार्टी जिहड़ी आ ਇਹ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25/4/2008 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਥਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2008 ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਜਦ ਆਪਣਾ ਸੰਘਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਪੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਣਕਹਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 2008 ਵਾਲੀ ਆ 25/4/2008 ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ ਬਣਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊ।
इस संबंधी थाना सतनामपुरा की पुलिस ने कहा कि अजिहा कोई भी मामला थाने विच नहीं है। फिलहाल उन्होंने मांग पत्र उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की गल आखी है। 2020 जो चल रहा उस संबंध में श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों सरपंच साहब के अपने प्रतिनिधि मेमोरेंडम को दिता है कि मेमोरेंडम अभी ले लिया वा अभी इस बाला तरफ सू इन्हों का मेमोरेंडम अगे भेज दें। मेमोरेंडम के नाम से हाँ जी के जनता गुप्ता डी जी पी साहब के नाम से जी अभी जो प्रॉपर चैनल है ये उसे पहुँचा कर दोष लगाया गया है कि 2020 के नाँ से पुलिस वालों जी आम सिख नौजवान है उन्होंने गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जा रहा है, हवालातों भी दिखा जा रहा है, कि कहना जी इस संबंधी मैं कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि साढ़े थाने के इधर की कोई घटना नहीं वापर। फगवाड़ा तो यश शर्मा की रिपोर्ट। एक फोन थोड़ी बदल सकता है जिंदगी, जेकर तुसी परेशान हो ता इधर उधर ना घूमो, बस संपर्क करो पंडित अमित शर्मा जी नाल। समस्या पावे कोई भी होवे, जिवें लव मैरिज लई मां बाप नूं मनाउणा, प्यार विच धोखा, सौंतरण जां दुश्मन तों छुटकारा, औलाद सुख, कर्जा मुक्ति या विदेश यात्रा, तां अज ही आओ मां अंबिका ज्योतिष केंद्र फगवाड़ा। फोन नंबर 7298 78600।